नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर आजादी के पर्व की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कवरेज। दिल्ली और एनसीआर सहित पूरे देश में आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से समूचे राष्ट्र को संबोधित किया है। देश, दिल्ली और एनसीआर में अपने अपने ढंग से आजादी का यह पर्व मनाया जा रहा है। आइए देखें किस तरह दिल्ली और एनसीआर में लोगों ने आजादी का यह अनूठा पर्व मनाया है। देखें पूरी रिपोर्ट। भारत के कोने कोने में अलग अलग अंदाज से 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। पीएम मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से कोरोना काल के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ध्वजारोहण कर राष्ट्र को बेहद गंभीर अंदाज में संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज का पर्व देश को आजादी दिलाने वाले देशभक्तों और कोरोना काल के योद्धाओं को स्मरण करने का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने ध्वजारोहण कर देश की जनता से राष्ट्र और राष्ट्रभक्तों का सम्मान करने की अपील की है। गौतम बुद्ध नगर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सदर तहसील को दिवाली की तरह सजाया गया है। दिवाली की तरह सजाकर देश भक्तों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तहसीलदार और SDM प्रसून कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में तहसील के सभी कर्मियों ने देश की आजादी में बलिदान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय पर DM सुहास LY ने ध्वजारोहण किया है अपने सभी अधीनस्थों के साथ। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों के स्वास्थ्य की मंगल कामना की है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट धनकौर में संजय उपाध्याय ने सभी साथियों के साथ ध्वजारोहण किया है। वहीं धनकौर नगर पंचायत में चेयरमैन अजय भाटी ने अपने सभी अधीनस्थों के साथ ध्वजारोहण किया है। धनकौर कोतवाली में ध्वजारोहण का विशेष अंदाज देखने को मिला। धनकौर कोतवाल के नेतृत्व में सभी पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज को बेहतर सलीके से सलामी दी है। धनकौर कस्बे के विद्याभारती के BDRD इंटर कॉलेज में राकेश गर्ग प्रबंधक और प्रिंसिपल जयप्रकाश ने स्टाफ के साथ ध्वजारोहण किया है। कस्बे के एकमात्र CBSE मान्यता प्राप्त SDRB कॉन्वेंट स्कूल में प्रबंधक रजनीकांत, संचालक संदीप जैन और प्रिंसिपल गार्गी घोष ने ध्वजारोहण किया है। धनकौर के श्रीमती सुरेश देवी कॉन्वेंट स्कूल में प्रबंधक अचम पाल और मुख्य अतिथि अशोक जी ने छात्र छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किए जाने के बाद अपने स्टाफ के साथ ध्वजारोहण किया है। श्रीमती सुरेश देवी कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक अचम पाल द्वारा सभी क्षेत्रवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी गई हैं। किसान एकता संघ ने रीलखा स्थित कार्यालय पर सोरन प्रधान, रमेश कसाना और जतन प्रधान के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु ने धनकौर कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। BK भानु के इस ध्वजारोहण में छोटे छोटे मासूम बच्चों ने भी भाग लिया। इधर घेटानोड़ा के भट्टा गांव के दो युवकों ने अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 किलोमीटर लंबी ध्वज यात्रा निकाली है। धनकौर से गांव भट्टा तक बाइक सवार दो युवकों ने शहीदों की याद में अनोखे अंदाज में ध्वज यात्रा निकाली। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल इन युवकों के जज्बे को सलाम करता है। आप देख रहे हैं किस तरह बाइक पर सवार होकर ये दोनों युवक धनकौर से भट्टा तक ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज यात्रा को देख रहे थे आसपास के सैकड़ों लोग। हमारे कैमरामैन ने इन युवकों का पीछा किया और इस यात्रा को शूट किया अपने कैमरे में। यह वीडियो सिर्फ आप रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अब आपको बुलंदशहर लिए चलते हैं। बुलंदशहर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दीप जलाए गए हैं, शहीदों को याद किया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देहात के स्कूल और कॉलेजों में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया है। जहांगीरपुर क्षेत्र के परमानंद इंटर कॉलेज में दिनेश अग्रवाल और विनोद चौधरी ब्लॉक प्रमुख ने ध्वजारोहण किया है अपने साथियों के साथ। वहीं खुर्जा में देहात क्षेत्र के नामी ग्रामी CHS यानी चौधरी हरचंद सिंह महाविद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया है। प्रबंध समिति और डायरेक्टर NK शर्मा ने ध्वजारोहण किया है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। चौधरी हरचंद सिंह महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों ने देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों को नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और प्रातकालीन वेला में ध्वजारोहण किया गया। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर NK शर्मा, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य और कॉलेज का समस्त स्टाफ इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित था। आप देख रहे हैं वीडियो में
चौधरी हरचंद सिंह महाविद्यालय का यह स्टाफ है, सभी अध्यापिकाएं और अध्यापक सामाजिक दूरी के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल आप सभी को शुभकामनाएं देता है। आपका परिवार फले फूले और आप तरक्की हासिल करें। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल की यह विशेष प्रस्तुति सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स।